हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बैंगन का भरता, जिसके लिए हमने लिए हैं बड़े साइज के 3 बैंगन, कुछ लहसुन और हरी मिर्च। अब हम इन बैंगन्स को कट मारेंगे और इन बैंगन्स को कट मार के इनके अंदर ये लहसुन, छिले हुए लहसुन और ये हरी मिर्च भरेंगे। आपको ऐसा करना है कि इन बैगन्स को और लहसुन को और मिर्ची को पहले ही धो देना है साफ से, उसके बाद हम इसमें कट लगाना स्टार्ट करते हैं। तो आपको बैगन में ऐसे डीप कट लगाने हैं, जैसे कि एक बैगन में 2 से 3, मिनिमम 3 डीप कट लगाने हैं अंदर तक, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 3 डीप कट लगाए हुए हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक डीप कट लगाने हैं ताकि आप इसके अंदर फिलिंग कर सकें। दोस्तों, बैगन फिलिंग के लिए फिलिंग होके रेडी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमने लहसुन और मिर्च, ये दोनों चीज़ें अंदर फिल कर दी हैं। तीनों बैगन्स में हमने ऐसा ही किया है, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। इनमें हमने मिर्च और लहसुन दोनों को फिक्स कर दिया है तीनों बैगन्स में, और हमने लिए हैं 2 पीस टमाटर, जो कि हम इनको भी धो के साफ करके हम इनको फ्राई करना है, जिससे कि हमारी बैगन की भरते में यूज़ होने वाली ग्रेवी बनने वाली है। ओके, अब हम इनको गैस में स्लो आंच में पकने के लिए रख देते हैं, ताकि हमारे बैगन का भरते के लिए हम लोग बैगन को तैयार कर सके, बैगन और टमाटर। ओके, तो एक ख़ास टिप मैं आपको देने जा रहा हूँ, बैगन को पकाने से पहले आपको बैगन के ऊपर हल्का सा तेल की मालिश करनी है, मीन्स हल्का सा तेल लगाना है बैगन और टमाटर दोनों के ऊपर, जो कि मैंने अप्लाई कर दिया है। सरसों का तेल या फिर रिफाइंड तेल, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। इनको पकाने से पहले आपको इनके ऊपर सरसों के तेल लगाने का है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरे टमाटर भी गैस पे फ्राई हो रहे हैं और ये बैंगन भी गैस पे हम लोग इसको फ्राई कर रहे हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये कांटा यूज़ करना है, फोक, इनको पलटने के लिए, ताकि इजी हो आपको। ओके, क्योंकि टमाटर जल्दी में फ्राई हो जाता है, इसके लिए आपको उसको टाइम टाइम पे पलटना है। ओके, इस बैगन और टमाटर दोनों भी फ्राई हो चुका है आग में, और अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम बाकी चीज़ की तैयारी प्रिपरेशन कर लेते हैं। फिर ठंडा होने के बाद इसका हमें हल्का हल्का छिलका ऊपर से उतार के कट करने का है। तो हमारा बैगन और टमाटर छिलके रेडी है, इसके साथ में ही हमने थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च काट ली है तड़का लगाने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनल प्रोसेस बैगन के भरते की। इससे पहले हमको इसको मैश करना है। बैगन और टमाटर मैश हो गए, रेडी है बिल्कुल। अब हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पैन में थोड़ा तेल लें और उसमें हम डालेंगे थोड़ा जीरा, थोड़ा हींग और स्वाद अनुसार लौंग। ये हमारा प्याज फ्राई हो रहा है, इसके बाद फिर हमने इसमें ये मिक्सचर डालना है, हमारा सब्जी रेडी हो जाएगा बैगन का भरता। तो हमारा बैगन का भरता बन के रेडी है, और जो कि बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्ट, बहुत ही खुशबूदार बना हुआ है।